नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के लोगों के बारे में। बात करेंगे आज हम बिहार में लोगों को जो है जाम से निजात मिलेगी, क्योंकि बिहार सरकार जो है आने वाले 2 सालों में 100 नए बाईपास बनाने वाली है। बिहार में सड़कों का जाल बिछने जा रहा है, यह हम नहीं बिहार सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार अपने मन से कह चुके हैं कि आप 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंच सकते हैं और अपना काम करवा कर 1 दिन में अपने घर आ सकते हैं। जब वे इस बात को कहते हैं तो उसके पीछे वे सड़कों के इन्हीं जाल के बारे में बताते हैं। तो आइए आज एक नज़र डाल लेते हैं बिहार में बिछने वाले सड़कों के इस जाल के बारे में। बिहार पथ निर्माण विभाग नए वित्तीय साल में 4,410 करोड़ रुपए खर्च से 100 नए बाईपास का निर्माण करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले 2 साल में 100 से अधिक बाईपास प्रदेश के विभिन्न शहरों में बनेंगे। बता दें कि यह बाईपास सुलभ संपर्क योजना के जरिए शहरी क्षेत्र में बनाए जाएंगे। यह बाईपास कम से कम 7 मीटर चौड़ा होगा, जिससे कि आवागमन की सुविधा आसान होगी। विभाग ने यह भी कहा है कि बाईपास के लिए अगर जगह नहीं मिलती है तो एलिवेटेड सड़क का कार्य करवाया जाए। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो 120 नए बाईपास का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सबसे अधिक बाईपास जो है वह बेगूसराय में होगा। उसकी संख्या जो है 11 बताई गई है, जिसकी लंबाई जो है 20.10 किलोमीटर होगी। वहीं सबसे लंबा बाईपास जो है कैमूर में बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई जो है 52 किलोमीटर होगी। यहाँ पर जो है 6 बाईपास बनाए जाएंगे। अगर हम बाईपास में खर्च की बात कर ले तो कटिहार में 33 किलोमीटर लंबाई में 4 बाईपास बनाए जाएंगे, लेकिन इसका खर्च जो है 419 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। यह सबसे महंगा बाईपास होगा। अब तक हमने प्रदेश के 100 से ज़्यादा बाईपास की बात की, लेकिन प्रदेश में एक जिला ऐसा भी है जहाँ एक भी बाईपास नहीं बनने वाला है, और वह जिला है लखीसराय। यहाँ एक भी बाईपास की स्वीकृति इस बार जो है सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। बाईपास निर्माण को लेकर बिहार सरकार की तरफ से यह दिशा निर्देश जारी किया गया है कि अगर किसी जिले में किसी भी विभाग की सड़क नहीं है तो वहाँ ग्रीनफील्ड यानी कि नई सड़क बनाकर बाईपास का निर्माण किया जाएगा। अगर सड़क निर्माण में बाधा आ रही है तो एलिवेटेड रोड बनाकर बाईपास का रूप दिया जाए और उसका उपयोग जो है वह किया जाए। जिलों में बाईपास की कुल राशि, लागत राशि यानी कि अब क्या है उसकी राशि और कितने जिलों में कितनी बाईपास है, आइए हम एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अरवल की। अरवल में जो है 4 बाईपास निर्धारित की गई है। इसमें इसके जो किलोमीटर है वह 12.68 किलोमीटर है और इसकी जो राशि निर्धारित की गई वह 33.78 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। अगर हम बक्सर की बात कर लें तो बक्सर में 4 बाईपास बनने हैं, जिसमें इसकी जो लंबाई होगी वो 19.65 किलोमीटर है और इसके जो राशि निर्धारित की गई वो 150.33 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। भागलपुर में भी 4 बाईपास बनने हैं और इसकी जो राशि है वो 49.05 करोड़ रुपये है। भागलपुर में 4 बाईपास जो है वो निर्धारित है, जिसकी लंबाई जो है 49.05 किलोमीटर है और इसकी जो राशि खर्च होगी वो है 173 करोड़ रुपये। भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में 6 बाईपास बनने हैं और इसकी लंबाई जो है 34.63 किलोमीटर है और इस पर जो खर्च होगा वो है 193 करोड़ रुपया। अगर हम कैमूर की बात करें तो 6 बाईपास यहाँ बनने हैं और इसकी जो लंबाई होगी वो है 52.58 किलोमीटर और इस पर जो खर्च होगा 142 करोड़ रुपया। बात कर ले बेगूसराय की तो यह जो है यहाँ सबसे ज़्यादा बाईपास बनने हैं, वो है 11 बाईपास और उसकी जो लंबाई होगी वह है 20.10 किलोमीटर और इस पर जो खर्च होना है वो 134 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पूर्वी चंपारण की बात कर लें तो यहाँ 3 बाईपास बनेंगे और इसकी जो लंबाई होगी वो 25.80 किलोमीटर होगी और यहाँ इस पर जो खर्च होगा वो है 340 करोड़ रुपये। वैशाली की बात करते हैं, यहाँ पर 5 बाईपास बनने हैं और इसकी जो लंबाई होगी वो 34.65 किलोमीटर होगी और इस पर जो खर्च होने वाली राशि होगा 91.40 करोड़ रुपये है। कटिहार की बात कर लें तो कटिहार में जो है 4 बाईपास बनेंगे और इसकी जो है लंबाई होगी 33.16 किलोमीटर होगी और इस पर जो खर्च होगा वो 419 करोड़ रुपये जो है वो खर्च हो रहे हैं और यह राशि जो है जितने भी बाईपास बनेंगे उसकी सबसे ज़्यादा राशि निर्धारित की गई है। मधेपुरा की बात कर लें तो मधेपुरा में जो है 4 बाईपास बनने हैं और यहाँ पर जो है इसकी लंबाई है 13.75 किलोमीटर है और यहाँ 53 करोड़ रुपये की राशि से ये 4 बाईपास बनाए जाएंगे। बात कर लें खगड़िया की तो खगड़िया में 3 बाईपास बनेंगे, इसकी लंबाई होगी 8.10 किलोमीटर और इस पर खर्च होंगे 19.50 करोड़ रुपये इस पर खर्च होने हैं। पूर्णिया में बात कर लें तो यहाँ 5 बाईपास बनना है और उसकी जो लंबाई है वो 32.55 किलोमीटर है और इस पर जो राशि खर्च होगी 106.26 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। शिवहर की बात कर लें तो यहाँ मात्र 2 बाईपास बनने हैं और इसकी जो लंबाई होगी वो है 8.67 किलोमीटर और इस पर खर्च होंगे 45 करोड़ रुपये।
बात कर ले रोहतास की, तो रोहतास में 5 बाईपास बनने हैं। यहाँ 13.10 किलोमीटर लंबाई की ये 5 बाईपास होंगे और इस पर जो राशि खर्च होगी वो है 104 करोड़ रुपये। बांका में 1 बाईपास बनेगा, इसकी लंबाई 13.20 किलोमीटर और इस पर राशि खर्च होगी 40 करोड़ रुपये। नवादा की बात कर लें, यहाँ भी एक बाईपास निर्धारित है और इसकी जो लंबाई है वो 11 किलोमीटर और इस पर जो राशि खर्च होनी है वो 127.15 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। जमुई की बात कर लें, यहाँ भी 1 बाईपास बनना है और इसकी जो लंबाई होगी 3.40 किलोमीटर और इस पर खर्च होंगे 20.31 करोड़ रुपये। सीतामढ़ी की बात कर लें तो यहाँ 2 बाईपास निर्धारित हैं और यहाँ पे जो है 7.25 किलोमीटर लंबाई की जो है दोनों बाईपास होंगी और इस पर जो राशि खर्च होगी वो है 136.50 करोड़ रुपये। मुजफ्फरपुर की बात कर लें तो यहाँ 1 बाईपास निर्धारित है, इसकी लंबाई है 21.10 किलोमीटर और इस पर जो खर्च होगा वो 345 करोड़ रुपये। गोपालगंज की बात कर लें तो 5 बाईपास निर्धारित है और 13.70 की किलोमीटर की लंबाई होगी इसकी और यहाँ जो राशि खर्च होगी वो 43.70। समस्तीपुर की बात कर लें तो 3 बाईपास निर्धारित है और 26.31 किलोमीटर लंबाई होगी इसकी और यहाँ जो राशि निर्धारित है वो 107.80 करोड़ रुपये। सारण की बात कर लें तो 5 बाईपास जो है यहाँ निर्धारित की गई, जिसमें से 37.20 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और इसकी जो राशि है वो 491.12 करोड़ रुपए की राशि जो है निर्धारित की गई। सहरसा की बात कर लें तो 4 बाईपास निर्धारित है, इसमें से 15.20 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और इस पे जो राशि खर्च होगी वो 20.30 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई। इधर औरंगाबाद की बात कर लें तो 3 बाईपास निर्धारित है, इसकी जो लंबाई होगी वो 15 किलोमीटर होगी और इसका जो राशि निर्धारित किया गया वो 46.18 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। दरभंगा की बात कर लें तो 3 बाईपास निर्धारित है और इसकी जो लंबाई होगी वो 24.70 किलोमीटर होगी और यहाँ जो राशि निर्धारित की गई वो है 73.50। गया की बात कर लें तो 3 बाईपास निर्धारित हैं और इसकी जो लंबाई होगी 24.55 किलोमीटर और इसकी जो राशि निर्धारित की गई है वो है 53.84 करोड़ रुपये। पटना की बात कर लें तो यहाँ पे 3 बाईपास निर्धारित है और इसकी जो लंबाई है वो 7.50 किलोमीटर की होगी और यह 25 करोड़ रुपये की राशि जो है निर्धारित की गई है। नालंदा की बात कर लें तो 4 बाईपास नालंदा में निर्धारित हैं और इसकी जो लंबाई होगी 15.23 किलोमीटर और इस पर जो खर्च होंगी राशि 80 करोड़ रुपये खर्च की जाएगी। किशनगंज की बात कर लें तो 1 बाईपास निर्धारित है, 3 किलोमीटर की दूरी होगी और 9 करोड़ रुपए जो है इस पर खर्च होंगे। अररिया की बात कर लें तो 1 बाईपास निर्धारित है, 5 किलोमीटर की दूरी और 29 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। जहानाबाद की बात कर लें तो 1 बाईपास निर्धारित है, 1.80 किलोमीटर की दूरी होगी, 50 करोड़ रुपये निर्धारित की गई। मधुबनी की बात कर लें तो 4 बाईपास निर्धारित है, 47.10 किलोमीटर की दूरी होगी और 150 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। मुंगेर की बात करें तो 2 बाईपास निर्धारित है, 18.10 किलोमीटर की दूरी होगी और 66 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। शेखपुरा की बात करें तो 1 बाईपास है और 7.40 किलोमीटर की दूरी होगी और 22 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। सुपौल की बात करें तो 1 बाईपास निर्धारित है, 10.20 किलोमीटर की जो है दूरी होगी और 47.39 करोड़ रुपए की राशि जो है निर्धारित की गई है। पश्चिम चंपारण की बात करें तो 2 बाईपास निर्धारित हैं, 2.70 किलोमीटर की दूरी होगी और 85 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। सिवान की बात करें तो 2 बाईपास निर्धारित हैं और इसमें जो है 19.42 किलोमीटर की दूरी होगी, 81 करोड़ रुपये की राशि जो है निर्धारित की गई है। लखीसराय में कोई भी बाईपास निर्धारित नहीं किया गया है। तो ये थे एक तरह से कह लें कि पूरे बिहार में सड़कों के जाल को जी बात की जा रही है, उसके तहत जो है 120 ऐसे बाईपास हैं जो पूरे प्रदेश में बनाए जाएंगे। इससे ये उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश में जो है जाम की समस्या जो शहरों में लगती है प्रदेश के, उससे जो है लोगों को निजात मिलेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।